नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर नगर के केदवई नगर साइट नंबर 1 में बना रेलवे पेंशनर भवन का कैंप कार्यालय, जहां पर पेंशनर सीनियर सिटीजन समन्वय समिति कानपुर का प्रतिनिधि मंडल केंद्र, राज्य बैंक एवं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्याओं का मांग पत्र प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित एवं जिला अधिकारी कानपुर नगर के माध्यम से प्रेषित कर शीघ्र समाधान हेतु ध्यान आकर्षित किया और अपनी मांग रखी है, जो इस प्रकार है कि महंगाई राहत की बकाया एरिया का भुगतान नई पेंशन योजना समाप्त की जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, केंद्र राज्य सरकार के निजीकरण एवं निगमीकरण पर रोक लगाई जाए, श्रम कानूनों के लिए परिवर्तन को रोका जाए, वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स की आय कर मुक्त करने की सीमा बढ़ाकर 7.5 लाख की जाए, बस यात्रा के किराए में छूट की जाए। समिति की बैठक के दौरान शैलेंद्र सिंह, आरपी शर्मा, आनंद किशोर, राकेश तिवारी, साहब दीन यादव, शैलेंद्र त्रिपाठी, एसपी सिंह, एसके गुप्ता सहित पेंशनर्स सीनियर सिटीजन समन्वय समिति के तमाम लोग मौजूद रहे। सर, हाँ, क्या परिचय है आपका और किस? मैं राकेश कुमार तिवारी, सीनियर सिटीजन समन्वय समिति का सदस्य हूँ और हमारी ये मांग बहुत पुरानी चली आ रही है कि 1984 से बैंक कर्मियों का, बैंक अधिकारियों का किसी का निर्धारण नहीं हुआ है। वेतन निर्धारण अगर हो जाएगा तो जो पेंशन स्वीकृत हो रही है वो इस समय बहुत कम हो रही है और जो पेंशन अब वर्तमान में अन्य विभागों को देखते हुए जो पेंशन स्वीकृत होगी वो सबके समतुल्य हो सकती है। इन ऐसी परिस्थितियों में हमारे इंडियन बैंक एसोसिएशन ने काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी भारत सरकार को पत्र लिखे हैं, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान में भी 15-20 दिन पहले हमारी भारत सरकार की जो है श्री माननीय वित्त मंत्रालय, उन्होंने जो है एक मतलब पारिवारिक पेंशन के लिए अपनी स्वीकृति और उसके लिए सहज अनुमति तो दे रही है, परंतु जो है पेंशन जो बैंक कर्मियों को मिलनी चाहिए उसकी 1984 के बाद में उसका कोई उन्होंने संदर्भ नहीं दिया। मैं आपके मीडियम, आपके माध्यम से, आपके मीडिया से संबंधित सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिंदु को भी प्रमुखता से उठाने की कृपा। सर, क्या नाम है आपका और ये मीटिंग क्यों रखी? मैं आनंद किशोर बाजपेयी, उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर परिषद का मैं कानपुर का महामंत्री हूँ और राज्य सरकार के जितने भी हमारे पेंशनर्स बंधु हैं इस विशाल संगठन में जुड़ने का एक कारण और भी है कि अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक झाड़ू है, झाड़ू की एक सीख अगर उससे टूट के गिर जाए तो कूड़ा कहलाती है और झाड़ू अगर बनी हुई है तो संगठन मजबूत होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य सरकार के जितने भी पेंशनर हैं आप समझिए हमारे साथ छलावा हुआ है। हम लोगों ने दबाव बनाया था 2017 में, राज्य कर्मचारियों ने भी बनाया था, परंतु उस समय हमारी प्रदेश सरकार ने हमारे ऊपर कृपा नहीं करी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि इन लोगों को कैशलेस की सुविधा, व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है 35-40 साल की उम्र की सेवा करने के बाद में आवश्यकता उसी समय होती कि वो अपना इलाज कराए। अभी विगत कोरोना काल में उसने 18-18 लाख 20-20 लाख रुपए कर्ज लेकर के इलाज कराया, बंदे खोए। तो हमारा कहने का आशय ये है कि इस पर उस समय नियमावली 2017 में प्रदेश सरकार ने बनाई राज्य कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए, कि इन लोगों को कैशलेस सुविधा दी जाए और उसके बाद उन्होंने तब तक सरकार वो पिछली बदल गई, दूसरी सरकार आई तो उनसे जब डिमांड हुई तो उन्होंने एक समिति बना दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना। उसमें